नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एनएससी के न्यू रूल्स जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुके हैं। दोस्तों एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये हम सब जानते हैं स्कीम से, हम सब वाकिफ हैं कि 101% सेफ स्कीम है। भारत सरकार इसके बैकअप में खड़ी हुई है और आपको 1% भी टेंशन की जरूरत नहीं होती। स्कीम का टेन्योर 5 साल का है, 5 साल के लिए इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स हो जाता है। भारतीय पोस्ट ऑफिस की सभी ब्रांचेस के अंदर आपको ये स्कीम अवेलेबल हो जाती है, बैंक्स में आपको एनएससी नहीं मिलते। दोस्तों जो मेन अट्रैक्शन है आज के वीडियो का, वो है इसका इंटरेस्ट रेट। 7.70% इंटरेस्ट रेट इस समय इसके ऊपर चल रहा है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। बहुत ही हैंडसम इंटरेस्ट रेट इस बार ऑफर किया गया है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इसकी है ईयरली, यानी 1 साल बाद दोबारा ब्याज पर ब्याज लगाया जाएगा। हालांकि 5 साल की FD अगर हम पोस्ट ऑफिस की देखते हैं, उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होती है और इंटरेस्ट पेएबल ईयरली होता है। इसके अंदर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिसअपॉइंट जरूर करती है कि ईयरली दी गई है और इंटरेस्ट आपको पेएबल ऑन मैच्योरिटी है, तो थोड़ा सेटबैक जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं और बेनिफिट्स एनएससी के आपको मिलते हैं टैक्सेस के अंदर, जिन्हें आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे खासतौर पर आज के वीडियो में कि क्यों पहले 4 साल का एनएससी आपके लिए बेनिफिशियल है 5वें साल के मुकाबले में और क्या कारण है उसका। उससे पहले उम्र की सीमा की बात कर लेते हैं कि कोई उम्र की सीमा नहीं है इसके अंदर। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग कोई भी इसको परचेज कर सकता है। 10 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर परचेज करता है, कोई बच्चा है, वो खुद से भी इसको ऑपरेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है एनएससी परचेज करने की। नंबर ऑफ एनएससी जितनी बार चाहे, चाहे रोज आप एनएससी परचेज कीजिए, कोई लिमिट नहीं है। जितनी जी चाहे उतनी अमाउंट का परचेज कीजिए, उस पर भी कोई बंदिश नहीं होती। मैक्सिमम की कोई लिमिट्स नहीं है। लोगों को आमतौर पर गलतफहमी रहती है कि अमाउंट अनलिमिटेड है, लेकिन नंबर ऑफ एनएससी अनलिमिटेड नहीं होते। ऐसा नहीं है दोस्तों, नंबर ऑफ एनएससी, अमाउंट ऑफ एनएससी दोनों ही अनलिमिटेड होते हैं। ज्वाइंट अकाउंट भी आप इसके अंदर ओपन कर सकते हैं, यानी कि एनएससी इंडिविजुअल लीजिए, 2 पर्सन मिलकर ज्वाइंट लीजिए, या मैक्सिमम 3 पर्सन मिलकर ज्वाइंटली एनएससी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो वहां पर सिर्फ जो फर्स्ट होल्डर है उसके अंदर इनकम टैक्स के नज़रिए से, मलकियत के नज़रिए से, ओनरशिप के नज़रिए से सिर्फ फर्स्ट होल्डर का ही एनएससी माना जाता है। सेकंड होल्डर या थर्ड होल्डर का रोल तभी आता है अगर अनफॉर्चुनेटली पहले होल्डर की डेथ हो जाती है। तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि 5 साल की स्कीम है, 5 साल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाएगा 7.70% पर। फ्यूचर में एनएससी का रेट बढ़े या घटे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है 7.70% पर। और इस मौजूदा दौर के अंदर RBI बॉन्ड्स के बाद 60 साल से कम उम्र के लोगों को 7.70% देने वाले जो 100% सेफ स्कीम्स हैं, ऐसी कोई और स्कीम आपको मिलेगी नहीं। ना ही 5 साल की FD, ना ही किसान विकास पत्र, केवल RBI बॉन्ड्स और सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और बैंक्स के अंदर FD आपको मिल जाएंगी, लेकिन NSE की तरह जो सिक्योरिटी के साथ आपको ये रेट ऑफर किया जा रहा है, वो कहीं और मिलने वाला नहीं है। इनकम टैक्स की बात समझना यहाँ आज बहुत ज़रूरी है। हमने हमेशा पहले वीडियोस में बताया है कि पहले 4 साल का इंटरेस्ट NSE का टैक्सेबल नहीं होता, 5वें साल का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। सबसे पहले तो ये समझिए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो आपने NSE जिस अमाउंट का परचेज किया, मान लीजिए आपने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया NSE में, तो ATC के अंदर आपको लाख रुपए का छूट मिल जाएगी। 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 1.5 लाख की ही छूट मिलेगी, क्योंकि ATC की मैक्सिमम छूट 1.5 लाख रुपए की ही होती है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ उस साल के लिए जिस साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस साल आपने NSE परचेज किया है, उस साल आपको ATC की छूट दिलवा सकती है 1.5 लाख रुपए तक की। और जो इसका इंटरेस्ट अमाउंट है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो इंटरेस्ट अमाउंट आपने री इन्वेस्ट कर दिया अगले साल, वो भी ATC सेक्शन के अंडर आपको छूट मिल जाती है टैक्स से। 4 साल तक ऐसा होता है, लेकिन 5वें साल का जो ब्याज है वो नेचुरली, क्योंकि आपने मैच्योरिटी अमाउंट ले लिया है उसका, NSE का मैच्योरिटी अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाता है, तो आपने री इन्वेस्ट नहीं किया। तो जब रीइन्वेस्ट नहीं किया तो 5वें साल का ब्याज उस पर आपको टैक्स देना होगा, सिर्फ 5वें साल के ब्याज पर, पहले 4 साल वाले ब्याज पर टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा छोटा सा एक पॉइंट जरूर समझ लीजिएगा
कि अगर आपने ATC की लिमिट पहले ही एग्जॉस्ट कर दी है, सपोज आपने बच्चों की ट्यूशन फीस में ATC में रिबूट ले लिया है, या फिर PPF में इन्वेस्ट कर दिया है, सुकन्या में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, ATC 1.5 लाख रुपया पहले कंज्यूम कर चुके हैं, तब आपके लिए कोई मतलब नहीं रहता कि इसका ब्याज NSC का टैक्सेबल है पहले 4 साल का कि नहीं है। वो आप मानकर चलेंगे कि अब आपको इस ब्याज के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने ATC के अंदर उस NSC के इंटरेस्ट को काउंट किया है, तब वो टोटल मिलाकर 1.5 लाख रुपए बैठता है आपका, तो ही आपको फायदा ATC का मिलने वाला है। अभी भी कुछ लोगों को जरूर कंफ्यूजन रह गया होगा, ये पॉइंट इतना टिपिकल है कि हर आदमी को इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, तो वो लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर इसके और डिटेल्स एग्जाम्पल फिगर के साथ डिमांड कर सकते हैं, हम उनको ज़रूर वहाँ पर सेंड करेंगे। इस अकाउंट को प्री मेच्योर करने की सुविधा आपको नहीं मिलती, सिर्फ 2 केसेस के अंदर, के अगर या तो अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तब, या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर हो तब ये अकाउंट प्री मेच्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो सभी अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद ही ये अकाउंट प्री मेच्योर होता है, और प्री मेच्योर डेथ केस के अंदर अगर होता है तो नॉमिनी या लीगल हेयर्स की मर्जी होती है कि चाहे तो वो अकाउंट को प्री मेच्योर करके पैसा वापस ले लें, या फिर उसे अपने नाम पर ट्रांसफ़र करके उस अकाउंट को पूरे 5 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अगेंस्ट आपको लोन की सुविधा ज़रूर दी जाती है, कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में आसानी से इसको गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। कोई भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, RBI खुद से, कोई भी इसके अगेंस्ट बहुत इजीली आपको लोन प्रोवाइड करवा देता है। NSE इस समय मौजूदा हालात के अंदर RBI बॉन्ड्स और SCSS के बाद सबसे बेहतरीन स्कीम है। 5 साल की जो पोस्ट ऑफिस की FD है, किसान विकास पत्र हैं, या और भी जितनी स्कीम चल रही, सबसे अच्छा NSE है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, हर लिहाज से NSE इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स अवेलेबल राइट नाउ। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। KVP पर और स्कीम कंपैरिजन NSE और KVP का, और MIS प्लस RD का कंपैरिजन NSE से, इन सब चीज़ों पर वीडियोस हमारे अगले 5-6 दिनों के अंदर अंदर अपलोड होने वाले हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।